नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता बिहार न्यूज मीडिया। मैं हूं आपके साथ प्रभात कुमार। इस वक्त हम बेगूसराय के बछवाड़ा के कादराबाद में, अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है। बेगूसराय में लोकसभा चुनाव 13 मई को होगा। इसी कड़ी में महागठबंधन के प्रत्याशी जो है अवधेश राय, उनके समर्थन में पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिंह आए हुए हैं कादराबाद पंचायत में। उनसे बात करेंगे, यहाँ का जो मुद्दा है, कुछ लोग मुद्दा भी रखेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। जीतेंगे अवधेश राय, क्या करेंगे पंचायत में विकास या लोकसभा क्षेत्र में विकास करेंगे या नहीं करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। अभी बेगूसराय में महागठबंधन की ओर से एक नारा लगाया गया है, अब की बार सिमरिया पार। क्या लग रहा है, सिमरिया पार होगा? ये कैदराबाद तो तय कर दिया कि गंगा पार चले गए गिरिराज बाबू। कैदराबाद का अर्थ हुआ बेगूसराय लोकसभा, या जो आप देख रहे हैं लोगों का जन समर्थन, ये जन बल है और यह जन बल धन बल को शिकस्त देने कामयाब होगा। या तो यहाँ की धरती, यहाँ के जो हमारे महागठबंधन के समर्थक हैं, पूरे वामपंथ, राजद और कांग्रेस महागठबंधन में हमारे माननीय मुकेश सहनी जी और भी छोटे छोटे दल, आम आदमी पार्टी तक, यहाँ तक कि आज तो हमारे दफ्तर में आ गए जीतनराम मांझी के, हम सेकुलर भी समर्थन दे के गए। जिसके पास इतनी बड़ी जनशक्ति है और वह इंसान इस धरती का बेटा है, यहीं जन्मा है, यहीं खेला है, यहीं कूदा है, यहाँ के सुख दुख में वह भागीदार रहा है, इसलिए यहाँ के लोगों की तमन्ना, यहाँ के लोगों के मन में जो आकांक्षा थी, उसी के अनुसार महागठबंधन ने सर्वसम्मत CPI के कार्यकर्ता को अपना उम्मीदवार बनवाया। एक हुआ था वीडियो में बताया, एक व्यक्ति पूछ रहे थे कि आपने क्या काम किया और मुद्दा के बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने गिरिराज सिंह जो अभी जो सांसद हैं, सांसद जी बोले कि आप बाप का बेटा है, जन्मा हुआ है और हम माँ का जन्मा हुआ, इस पर क्या कहना चाहते? देखिए, ये तो उनके दल के ही सौरभ भारद्वाज नाम का लड़का, मैं उनको जानता नहीं, लेकिन उनका दावा था 2019 के चुनाव में उन्होंने कमल निशान पर बटन दबाया। उन्होंने यह भी कहा कि धरती का बेटा कन्हैया को हराकर हमने आपको जिताया, अब बेगूसराय के मतदाता को आप देशद्रोही क्यों कहते हैं, यह उसका वाजिब सवाल है। लोकतंत्र में, जमहूरियत में मतदाता को देशद्रोही कहना बहुत बड़ा अपराध है, जघन्य पाप है, इस दिल पर चोट लगी और कहा हम माँ का बेटा है, इस धरती का बेटा है, आप इसको वापस की। उस पर जो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के माननीय गिरिराज बाबू ने कहा हम माँ का बेटा और तुम बाप का बेटा, यह गाली हुई, यह बेगूसराय के तमाम मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माननीय गिरिराज सिंह ने गालियां दी और इसकी घोर प्रतिक्रिया हो रही है पूरे लोकसभा क्षेत्र में। इस बार नहीं, माननीय राकेश कुमार जो उन्हीं के दल के राज्यसभा सांसद हैं, उनके साथ भी दुर्व्यवहार और गाली गलौज, यहाँ के मतदाताओं ने तय किया इस गालीबाज भाजपा उम्मीदवार को गंगा पार करेंगे। जो हमारे देशभक्त मतदाता है, जो इस तरह से देशद्रोही और पाकिस्तान परस्त का इल्जाम लगा रहे हैं, उनको शिकस्त देंगे। यहाँ के सभी मतदाता 21,86,000 देशभक्त हैं और उम्मीदवार भी देशभक्त है। गिरिराज सिंह ये भी बोल रहे हैं कि मुस्लिम जो वोटर हैं उनसे हमको वोट नहीं लेना है, जो यहाँ के मुस्लिम उनसे ज्यादा देशभक्त हैं,
ज्यादा कुर्बानी दी है। जब मुल्क के वतन की आजादी का सवाल था, ये तमाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये भाजपा का जनसंघ का तो जन्म नहीं हुआ, उसके जो आदि पुरखा हैं MS गोलवलकर साहब, उन्होंने किताब लिख दी, तीन दुश्मन बताया, मुस्लिम, ईसाई और कम्युनिस्ट। लेकिन इस धरती ने लड़के कुर्बानी दी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तमाम की शहादत से यह राष्ट्रीय ध्वज फहर रहा है और हमारा वतन आज आजाद है। हम आजाद देश के नागरिक हैं। उस समय न गिरिराज का जन्म था, न उसके भाजपा और जनसंघ का जन्म था, ये तमाम लोग अंग्रेजों के दलाल थे। गोलवलकर के किताब में लिखा हुआ है बंच ऑफ थॉट और हिंदी में विचार नवनीत में कि हम अंग्रेज सरकार के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तुम सामाजिक कार्य करो, सरकार के खिलाफ नहीं लड़ो। और उनका जिसको कहते हैं वीर सावरकर, भारी कायर सावरकर था, जिसने माफीनामा मांगा उस यातना में जो था जेल में, जो हमारा देशभक्त था, किसी ने माफी नहीं मांगी, एक दो बार नहीं, 13 बार उस शख्स ने माफी मांगी, अंग्रेजों से ले लिया, प्रत्येक माह उसको पेंशन अंग्रेज सरकार देती थी और कहा कि हमको हुजूर आलम आप रिहा कर दीजिए, हम आपके लिए काम करेंगे। इस तरह से कुल कलंकी है उसके यहाँ। और हमारा जो हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, देशभक्त है, आज भी वतन की पुकार पे अपना खून दे सकता है हर मुस्लिम और हर हिंदू, हर सिख, ईसाई। इसलिए वो तुलना नहीं करें, हमारा सर्टिफिकेट गिरिराज और उसका कुल खानदान नहीं दे सकता है देशभक्त। दो दिन पहले बछवाड़ा में नीतीश कुमार आए, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं का विधायक जो प्रवक्ता विधायक संजीव कुमार है, और बेगूसराय के बेटा पूर्व MLC रजनीश कुमार को के ऊपर बयान, उल्टा बयान दे दिए, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसी दल के अंदरूनी मामले में हम लोगों को राजनीतिक तौर पर, नैतिक तौर पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मूल बात। अब इसका प्रभाव, मतदाता सब सजग है, आप भी एक सजग पत्रकार हैं, मतदाता इतने सजग हैं कि कुछ भी आप वायरल करते हैं सब लोग देखते सुनते हैं, फैसला करेंगे कि जिसके दल में ही इस तरह से एक दूसरे के प्रति गाली गलौज है, उस दल को, उस NDA गठबंधन को हराएंगे और जमहूरियत की मर्यादा, लोकतंत्र की हिफाजत करेंगे। NDA में कुल मिलाकर दरार है, अभी भयंकर दरार है, कभी एकता नहीं है, और महागठबंधन में अटूट एकता है, जनता आगे है और नेता पीछे। अवधेश राय जी जो MP कैंडिडेट है, सांसद कैंडिडेट है, उनके लिए जनता से क्या आग्रह करना चाहते हैं? बस एक मत होकर के लालटेन चुनाव चिन्ह जिनका था जमाना में, उनका भी चुनाव चिन्ह हंसुआ बाली है, पंजा छाप चुनाव चिन्ह, लालटेन चुनाव चिन्ह इस बार नहीं मिलेगा बेगूसराय लोकसभा में, क्योंकि उन लोगों का उम्मीदवार हंसुआ बाली वाली है। इसलिए मर्द या महिला, जो कोई भी, या नौजवान किसान, जो कोई भी मतदान केंद्र पर जाए, लालटेन का भी हंसुआ बाली, पंजा छाप हंसुआ बाली, बस हंसुआ बाली बटन दबाइए, और जब तक हंसुआ बाली का फोटो निकले नहीं तब तक बूथ को छोड़िए नहीं, यही उनसे हम अपील करने आए। आपके गठबंधन का, महागठबंधन का एक साथी है मुकेश साह, उनका वाई प्लस सुरक्षा छीन लिया गया। यह जो सरकार है, तानाशाही वाली सरकार है, उसी का नहीं सुना जो भी सरकार के खिलाफ जाता है। देखिए, केजरीवाल मुख्यमंत्री, जनता का चुना हुआ, जेल में, झारखंड का हेमंत सोरेन, कितने पत्रकार जेल में, कितने मार दिए गए, इस सब का जवाब इस बार प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तीसरे चरण अभी होने जा रहा है। जनता तैयार है और निश्चित तौर पर गंगा पार नहीं, मुल्क के, हिंदुस्तान के वजीर आलम के तख्त को जनता छीनने के लिए तैयार है।
महागठबंधन के प्रचार प्रसार के लिए बांका के एडवोकेट संजय यादव जी हैं, उनसे बात करेंगे। अवधेश राय के बारे में क्षेत्र दौरा किए, क्षेत्र दौरा करने में क्या इन्होंने पाया, क्षेत्र के बारे में सर बताइए कुछ पहले। देखिए, हम दो तीन दिन से इस क्षेत्र के अंतर्गत में सभी क्षेत्र में जा रहे हैं, तमाम जगह में। सिर्फ एक ही नारा है कि इस बार इंडिया गठबंधन के हमारे उम्मीदवार अवधेश राय को ही हम लोग वोट देंगे और यहाँ से गिरिराज सिंह को हम लोग यहाँ से आउट करेंगे। ये तमाम जगह सभी वर्ग में सभी जातियों के बीच हुई आबादी, और हम तो विभिन्न जगह गए हैं और विभिन्न जगह में सारी बातें हो गई। इसीलिए आज इस सीट में किसी तरह का कोई शंका नहीं है कि हमारे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जो अवधेश राय, कॉमरेड अवधेश राय, भारी बहुमत से। अवधेश राय जी के लिए क्या कहना चाहते हैं और बेगूसराय की जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अवधेश राय जी तो इस क्षेत्र के, इस धरती के बेटा, वह तो जितना इस धरती से उनको प्रेम है, यहाँ के सारी जनता के लिए वो शुरू दिन से काम करते आ रहे हैं और आज भी करेंगे। आने वाला समय में उन्होंने यहाँ की जनता के हर दुख सुख में वो साथ रहे, और यहाँ की जो बेगूसराय के बारे में तो सारे जनता उसके साथ है। क्या सर, इस बार सिमरिया पार होगा? निश्चित तौर पर जानकारी होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बेगूसराय लोकसभा सीट जो है वामपंथी उम्मीदवार कॉमरेड अवधेश राय को दिया है। पूरा बेगूसराय जिला का इंडिया गठबंधन एकजुट है। आप देख रहे हैं, बछवाड़ा विधानसभा की बात लीजिए, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य होने के नाते जिन रात हम लोग कॉमरेड अवधेश राय के साथ सत्रहवा उप नेतृत्व में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित अजय कुमार सार्जन जी के नेतृत्व में और युवा नेता कांग्रेस के गरीबदास आज एक सप्ताह से जो है बछवाड़ा विधानसभा का भ्रमण कर रहे हैं। और कहना एक बात चाहूँगा कि ये पाँच बरस जो है गिरिराज सिंह ने कोई काम नहीं किया, काम कहीं नजर नहीं आ रहा, काम सिर्फ इतना ही किया कि हिंदू मुस्लिम का सिर्फ हमेशा चर्चा करके ये सुर्खी में रहा, कोई काम ही नहीं किया। कहता है क्या मुस्लिम, क्या देश की आज़ादी में मुस्लिम लोगों का हाथ नहीं है क्या? 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, सभी लोग जानते हैं, और हवलदार हमीद कौन था? एक मुस्लिम युवक सैनिक था जिसने अमेरिका के 3 पैटर्न टैंक को ध्वस्त कर दिया। क्या यह सेक्रीफाइस नहीं है? इसलिए इस बार कहीं कुछ नहीं है। वो जो कहते हैं 400 पार, इस बार उनको गंगा पार कर देना है निश्चित तौर। और शत्रुघ्न बाबू ने जितनी सारी बातें की है वो उससे जो है सारे जिले में और देश में और पूरे प्रांत में वो संदेश के रूप में जा रहा है। इन्होंने इस उम्र में जो है अर्जुन के तरह जो गांधी लिया है, निश्चित तौर पर इस बार कॉमरेड अवधेश राय बेगूसराय जिला लोकसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से जीतेंगे। तो आपने सुना पूर्व सांसद शत्रुघ्न बाबू के बारे, शत्रुघ्न बाबू जो बताएं कि यहाँ का जो जनता है अवधेश राय जी के साथ है, और इन्होंने जनता से अपील भी किए हैं कि 3 नंबर पे हसुआ गेहूं की बाली छापर बटन दबाने का अपील भी किए। धन्यवाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, तेजस्वी प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद।